गाइज वेलकम टू माय चैनल कुक विद ट्विंकल। बारिश का मौसम आ गया है और हम सबको पकोड़े खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट आलू के पकोड़े की रेसिपी, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक छोटी कटोरी बेसन, हमने लिया है धनिया पत्ता कुछ काट लिए हमने, और हमने यहाँ पर लिया है जीरा, दो छोटे साइज के आलू और रेड चिलीज को मैंने कट कर लिया है। अब हम रेडी करने जा रहे हैं आलू के पकौड़े। यहाँ पे हमने बेसन में ऐड किया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 पिंच या 1 चुटकी सोडा खाने वाला, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट, आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा और हम इसमें ऐड करेंगे जो कटे हुए धनिया है, इसे हम अच्छे से डाल देंगे। और जो हमने जितने भी धनिया और मर्चा कट किया था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मर्चा यूज़ किया है बिकॉज हम इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड किए हैं, आप चाहे तो और हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। एक बार में पानी मत डालिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा मिलाकर स्पून की मदद से मैं इसे फेंट ले रही हूँ। जितना लिक्विड आपको चाहिए उस टाइप से आप हल्का हल्का पानी ऐड करिए। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल है और थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि जिससे पकौड़े तेल में आसानी से गिर सकें। अच्छे से मिला रही हूँ मैं। अच्छे से मिलाने के बाद आप देखिएगा ये कितना अच्छा लिक्विड बन के रेडी हो। अब जो मैंने दो आलू लिए थे उसको मैंने स्लाइसेस करके काट लिए हैं पतले पतले, ज़्यादा मोटा नहीं काटिएगा वरना गलने में टाइम लगेगा। अभी अच्छे से हम इसे तेल गर्म करने के लिए रख दिया था, एक ड्रॉप डाल के हम देख ले रहे हैं तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। तेल यहाँ पे बहुत अच्छा गर्म हुआ है और हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे और आलू को डिप करके तेल में डाल देंगे। जब हल्का ब्राउन हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर दीजिए, ज़्यादा तेज आंच में मत पकाइएगा वरना ये कुरकुरे नहीं बनेंगे। 1 से 2 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम पर पकाया है ताकि अंदर का जो आलू है अच्छे से गल जाए। अब हम इसे पलट दिए, बोथ साइड क्रंची हो गया है। अब हम इसे आराम से तेल को स्ट्रेन करके एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखकर अच्छे से निकाल लेंगे। ज़्यादा ऑयल के साथ मत लीजिए वरना खाने में थोड़ा चिपचिपा लगेगा। और हमारे इंस्टेंट आलू के पकौड़े बनकर रेडी हैं। अब जब भी आपके घर कोई मेहमान आए और बारिश का मौसम हो तो ये पकौड़े ज़रूर ट्राई करिए। मैं पकौड़ों को सर्व कर रही हूँ अदरक वाली चाय के साथ जो हम सबकी फेवरेट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।